यूरोप घूमने आने का एक फायदा तो हुआ। लंदन की यूनिवर्सिटी ने हमें सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाया है। ऐसा लगता है कि फुरफुरी नगर के मोटू पतलू का यहाँ भी बहुत नाम है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक्स सर। आइए, वेलकम। मोटू पतलू का सम्मान हो रहा है। वेरी गुड। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें सम्मान करते हैं, लेकिन जॉन द डॉन ये होने नहीं देगा। बॉस बॉस, हम यूरोप के ट्रिप के लिए निकले हैं। जाने दो ना, क्यों पंगा लेते हो? लेट्स एंजॉय। जब तक जॉय मिल रही है मैं एंजॉय नहीं कर सकता। ये यहाँ का स्टूडेंट रॉकी का फेस मास्क है, वो छुट्टी पे है। अब देखो मेरा खेल और खेल की धार। अरे लाइट किसने बंद कर दी रे बाबा? वाह बॉस, आप तो एकदम स्टूडेंट ही लग रहे हो। हेलो मैम, आई एम रॉकी। मैं ना मोटू का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये उसे स्टेज पे दे दीजिएगा प्लीज। ओके रॉकी, मैं उसे ये दे दूंगी। बात बात वो दे तो। Dear students and teachers, it's a matter of honor ki aaj Motu Patlu hamare beech aaye hain. Aap sab jante hain ki unhone apne Phurphuri Nagar ke liye din raat kaam kiya hai. Please give them a big hand. Now I request Motu Patlu to please come upon this stage. Sir, are you okay? Oh, sorry, sorry, sir. Please come on this stage. Mochi Patle ji, I welcome you on behalf of our students. Yes, madam. Huh? ये मेरी अंगूठी आपके हाथों में कैसे आ गई है? ये मेरी है। अरे मैडम से हाथ मिलाने के बहाने अंगूठी निकाल लिए, कहीं गिरने के बहाने प्रिंसिपल सर का वॉलेट तो नहीं निकाल लिया? माय वॉलेट? अरे मेरा वॉलेट भी गायब है। सर, मुझे आपकी तलाश लेनी है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, देख लो। ओह, ये तो मेरा वॉलेट है। आपकी जेब में कैसे आया? अरे ये लोग चोर है, फ्रॉड है, मारो इनको, मारो। नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये चोर है, चोर है, मारो। रुको, छोड़ दो मोटू पतलू को। मोटू पतलू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। भागो। भागते रहो, उन लोगों से जितना दूर जा सके।
वो स्टूडेंट तो हमारे पीछे ही पड़ गया, उसी ने सबको भड़काया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, ब्रिज ओपन हो रहा है। कार में आ जाओ जल्दी। चलो पूछो पतलू जी, डोंट वरी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जरूर कोई आपको फंसा रहा है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने उस समय के सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके रखी है, ये देखिए। ये स्टूडेंट रॉकी नहीं हो सकता। आई नो हिम, ही इज अ वेरी डीसेंट बॉय। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम ही कुछ सोचो ना। आइडिया, दोस्तों जो कल हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम रॉकी नाम के स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाना चाहते हैं जिसने हमें एक्सपोज किया। प्लीज वेलकम रॉकी। दरअसल हमने चोरी नहीं की थी, किसी ने हमें फंसाया था। मैं चाहता हूँ पहले आप स्टूडेंट्स को दो शब्द कहें, फिर हम कुछ कहेंगे। प्लीज हाँ तो मैं कहता हूँ हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों हमें पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए और हमें कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ये हंसने वाली बात नहीं है। और हमें अपने मॉम डैड के ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। तुम बोलते रहो, हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। बॉस बॉस, अब तो असली रॉकी भी आ गया, अब जरा पीछे भी देख लो। ये रहा आपका नकली रॉकी। इसका असली नाम जॉन है, ये फुरफुरी नगर के चोर है। हमें नहीं पता था कि ये भी हमारे पीछे पीछे यूरोप टूर पे आ गया है। अब आप लोग इस महान इंसान को सम्मानित करें। बॉल खुल गई। भैया गोला बना लो गोला, फिर इसको सम्मानित करेंगे। मोटू पतलू जी सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, सारे स्टूडेंट्स शर्मिंदा है और आपसे माफी चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। वो देखो अंकल, अंकल हम लंदन घूमने आए हैं लेकिन इस तूफान की वजह से आगे नहीं जा सकते। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? प्लीज रुक तो सकते हो, पर एक बात है, जो आदमी पिछली बार वहाँ रुका था उसने बताया। क्या बताया? उसने बताया
कि जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो क्या? तो दरवाजा अपने आप खर खर की आवाज से खुल गया और जब वो आदमी अंदर गया तो उसे खट 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 की आवाज आने लगी। आवाज किसकी थी? आवाज आवाज तो पैर की थी और उसके बाद बहुत जोर से म्याऊ की आवाज आई। अरे तो ये म्याऊ क्या थी? एक बिल्ली कूद कर भागी। ओ मेरे भाई मेरी यार, पर बिल्ली के पैर से खट खट की आवाज तो नहीं आती है। यही तो सस्पेंस था। वो आदमी उस आवाज को ढूंढने लगा, फिर एक लंबा सा साया। किसका किसका? लंबा सा साया नहीं आया, एक लंबा सा भूत ही आ गया। उसने कहा, आओ पार्टी मनाएंगे, तुम्हारा तंदूरी बनाएंगे। अरे अंकल क्यों डरा रहे हो? हम चले जाते हैं अभी के अभी। अरे डरो मत, रात यहीं रुक जाओ, शायद वो खटखट की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। शायद उस आदमी का पता चल जाए कि वो कौन है और क्या चाहता है। जाओ डरो मत, मैं हूं ना। नहीं नहीं, मैंने खोला है इसे, देखो ऐसे खोला। आ जाओ अंदर। आप भी यही सो जाइए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। वहाँ सामने सोने का कमरा है, जाओ तुम लोग अभी सो जाओ। ये बेड इतने दूर क्यों है? चलो सब एक साथ ज्वाइन करके सोते हैं। मैं पानी लेकर आता हूँ। पतलू उठो। मोटू बोलो तो सही, भूत भूत। जोर से बोलूंगा तो वो सुन लेगा। चलो दिखाता हूँ। बात है, क्या हुआ? खट खुट खट खुट अंदर है। वो अंदर कैसे आया? मैं तो बाहर बैठा हूँ। कोई बात नहीं, डरो मत, तुम लोग जाकर उस पर नजर रखो, मैं अंदर आता हूँ। हाँ।
कौन है वहाँ? अरे डर क्यों रहे हो, इधर आओ। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बहुत तेज आंधी तूफान है, अंकल ने हमें बोला था यहीं रुक जाओ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, रात को रुकना है ना तो रुक जाओ। एक बात पूछूं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, क्या कर रहे हैं का क्या मतलब है? तुम्हारा घर नहीं है ये। है? आप कौन है? ये अंकल है, ये इस घर के केयर टेकर है। केयर टेकर हो तो बाहर ही रहो, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर मेरा है, मेरा। झूठ बोल रहे हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। क्या मुसीबत खड़ी करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए हैं? अच्छा, ये मेरा घर नहीं है हा? मैं अभी बताता हूँ मेरा घर है कि नहीं है। कहाँ रखी थी? यहाँ भी नहीं है। तुम लोग जल्दी जाओ, देखो वो क्या कर रहा है, जाओ। अरे कैसे जाए, उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। अरे हाँ, मैं ही जाकर खोलता हूँ। उठ जाओ। अरे मैं बुरा नहीं हूँ, अच्छा भूत हूँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। उस आदमी रोहन ने ही मेरा जहाज डुबा दिया था और वो मेरे घर के पेपर ढूंढने यहाँ आया है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। ओह, तो आप अच्छे भूत हो अंकल, आप हमें कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छा भूत हूँ। आप हमें जाने देंगे? अरे हाँ बाबा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं अच्छा भूत हूँ। उस आदमी को पकड़ते हैं। ये क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? ये घर हमारे अंकल का है और तुम उनके घर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये घर तो मेरे दोस्त राकेश का है और मैं उसका दोस्त रोहन हूँ। अगर तुम राकेश के दोस्त हो तो तुमने कभी उसके पिताजी को नहीं देखा क्या? नहीं देखा था। नहीं देखा था तो उस तस्वीर से चादर हटाओ और देखो राकेश के पिता कौन है। आप कौन है? इस घर को तुमसे बचाने के लिए मैं भूत बनकर वापस आ गया। भूत? सॉरी सॉरी, गलती हो गई। मैं तो आपके घर पर कब्जा करना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बस एक मदद और कर दो। इस फोटो के पीछे प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं। कल मेरा पोता आएगा तो उसे दे देना। अरे आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो बेटा, ये लो तुम्हारे दादाजी के प्रॉपर्टी के पेपर्स। हैं? आपको ये पेपर्स किसने दिए? हमें किसी का फोन आया था कि मकान के पेपर ढूंढना आप लोग आज आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम चलते हैं। बेटा बाय कहो इन्हें और थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। बाय बाय। बाय अंकल। अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ, थैंक यू।